क्या हो रहा है? बाप बेटा देखो डोले दिखाने लगे हुए हैं। वो बोल रहा पापा ऐसे करना, दिखाना अपना डोला। साइकिल की दुकान है पहन के बनियान सी घूमता रहता देखा आए है, आए है। तो मैं गुड मॉर्निंग विश तो कर दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं और रजनीश जी एक बार ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारा 1 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। मिनी कूपर वाला नहीं, गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हो और इतने लोगों ने वाला भी कर दो, इतने लोगों ने फॉलो किया इंस्टा पे, यूट्यूब पे बेटा। वो अभी पापा हाथ नहीं लगाने दे रहे उस साइड को। तो चले फिर ऑफिस, कोशिश करते रहो, जिंदगी हसीन बनती रहेगी। बिल्कुल। तो आज मैंने पहना है ये वाला लुक लिया मैंने, साथ में ये एक मिनट, हील नहीं दिख रही, ये हील करके है, ब्लैक पैंट्स के साथ ये टॉप, और साथ में तो मैंने ये रिबन लिया। तो खाएगा क्या, इलाज है इसमें खाने। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम ऑफिस, और ऑफिस आके एक मीटिंग थी बायोसॉफ्ट वालों के साथ, तो वो चीज़ जो हमने कर ली है मीटिंग, और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है उनका, ये चीज़ है, ये देखो वैक्स हीटर है, इतना छोटा सा वैक्स हीटर है, फोल्डेबल है, ये सिलिकॉन का इसके अंदर होता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी, तो हमने एक बार एक परचेज कर लिया। बाकी हम जो हम लड़कियों को देंगे ना, वो भी यही चीज़ देंगे, कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है बट अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी लगी ये चीज़। तो बाकी बैठे हुए इधर प्रीति भी अभी सर्च कर रही है बहुत सारी चीजें। लगी रही मॉर्निंग, हाँ जल्दी हम एक ऐप लेके आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो लेडीज काम करना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम उन्हें पैसे कमाने का बहुत अच्छा एक जरिया देने वाले हैं। तो आप इन टच रहो और इनके ब्लॉग्स देखते रहो। बिल्कुल। तो अभी करते हैं हम अपना, उधर सर लॉग इन कर रहे हैं क्योंकि लैपी में दिखाना है जब मेरे 100K कम्प्लीट हो जाएंगे, तो लगे हुए हैं उसमें कि वो फिर केक भी तो काटना है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे चल रहा है हमारा काउंटडाउन, जो कि रजनीश जी करके बैठे हुए हैं इसको, मेरी इंस्टा आईडी पे जिसमें 999333 चल रहा है अभी। तो अभी हमें नीड है 67 फॉलोअर्स की, बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो ये चलता रहेगा अभी कंटिन्यू, फिर इसके बाद हम केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, है ना, 100K का। यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, और खाने में है घिया की सब्जी, खीर और रोटी, प्रीति भी खा रहे हैं, साथ में सैंडविच रखा हुआ है, और इधर जनाब जी जो हैं वो इसको ही लेके बैठे हुए हैं। 43 हो गए, लगेगा अभी आधा पौना घंटा और, तो हम खाना खा लेते हैं और फिर आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे हमारे 100K को। तो भाई यहाँ पे हम इसको ओपन करके बैठे हुए हैं कि कब पूरे हो जाएंगे। तो अभी ट्रिपल है, 93 हो गया, 7 फॉलोअर और रहते हैं जिसमें अपने 100K फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा नेट स्लो चल रहा है, दस बार इसको फिर रिफ्रेश करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ऐसे करके एक बार रिफ्रेश करके देख लो यहाँ से, तो फिर वो वीडियो रह जाएगी, मैंने इंस्टा की बनानी है। हमारी पूरी 100K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो जिस दिन आप यूट्यूब के 100K की फैमिली कंप्लीट कर दोगे उस दिन मिनी कूपर की चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी, राइट? हाँ भी बोल दो, आपने पब्लिक के सामने बोल रखा है, तो उसमें भी थोड़ी रह गए हैं, उसमें 60 होने वाले है ना, बस 40,000 बाकी है उसमें, तो फिलहाल के लिए वो होता है, बाकी दिखाते हैं आपको नेक्स्ट, ठीक है, मिलते हैं आगे वाले उसमें। तो भाई हमारे जो 100K है वो कंप्लीट हो चुके हैं बिल्कुल, हंड्रेड K हो गए, हमारी रील रह गई है जो कि नहीं हो पाई क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी, नेट नहीं चल रहा था, तो 101 सब्सक्राइबर। तो थैंक यू सो मच गाइस, अब हम बाहर जाके केक काटेंगे तो एंजॉय करेंगे, तो एक रील बना लेते हैं फिलहाल। तो हम 100K जो हमारे कंप्लीट हुए इंस्टा फैमिली उसका केक काटेंगे, और आज योगा डे है तो इन सब बच्चों से हम एक एक योगा का वो करवा के पूछेंगे इनसे कि ये कितने एक फ्लेक्सिबल है। मैं तो शवासन में बहुत फ्लेक्सिबल, शवासन में नहीं सर बोलते निंदासन में ये करना पसंद है।
मैं और सर विनर्स होंगे, बाकी आप देख लो किसमें क्या करना है। तो सबसे एक कंपटीशन करवाएंगे, जो विनर रहेगा ना उसको प्राइज मिलेगा। हाँ जी मैम, मैं तो सबसे आगे रहूंगा। ऐसे और घुटने पर कौन बैठ सकता है सबसे ज्यादा वो देखेंगे। नहीं नहीं वो भी, ये कौन सा, ये हग आसन है। वर्कआउट करने के बाद मैं आ गई हूँ इधर, और जनाब जी करवा रहे हैं बीएड कलर एंड ऑल। आज इधर भी आई पी रूम में बैठे हुए हैं, तो नन्ना आपको पता है वो इवा को दवाई दिलाने जाना, आपको पता वो गिर गई। तो हुआ ये है कि हमारी इवा जो है वो फ्रंट पे बैठी बैठी थी, मैं उधर गई हुई थी क्लास लगवा रही थी, तो बच्चों ने बताया कि मैम वो गिर गई थी, चक्कर आ गए थे उसको, और अभी वो लेटी हुई है, उसको लिटाया हुआ है, तो इनका अभी बीड का कलर बस थोड़ा सा रह गया, ये वो निकला है, फटाफट उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी तबीयत पता नहीं क्या चक्कर है आजकल बच्चों में ना, उसके सर्वाइकल भी है, माइग्रेन भी होती है, माइग्रेन वगैरह। तो अभी पर्सनल के पास फिर वो बोलेगा वो करवाने लगे, रुक जाओ यार क्यों निकाल रहे हो इतना, नहीं निकालना की नहीं नहीं निशान बढ़ जाएगा, मत निकालो। तो भाई मैंने आज इतना वर्कआउट किया ना कि अभी मेरे पसीना पसीना आया पड़ा और मैं थक गई हूँ, आज सच में थकावट हो गई, तो आज से मैं कंटिन्यू करूंगी वर्कआउट। अच्छी बात है, ये वर्कआउट सबसे अच्छा होता है, करूंगी अभी। देश का विशेष लगता है योगा डे, आज योगा डे था तो हमने सेलिब्रेट कर लिया योगा डे, आज हमने 1 लाख भी किया, 1 लाख सेलिब्रेट कर लिया, बाकी सब कुछ हो गया। चलो फटाफट इसको वॉश करवा लो, अगर कलर हो गया तो फिर वॉक लेके जाना। चल रहे हैं तो 2 मिनट बस। तो भाई शाम के 8 बज चुके हैं और
पॉइंट है अभी फ्लोर पे, तो इसका मतलब आज फिर हम लेट हो जाएंगे, क्योंकि जब तक काम चलता रहेगा तब तक तो यहीं बैठना पड़ेगा। हम आ गए हैं ईवा को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये बैठी है पीछे, मरने वाली हो रखी है ये लड़की असली। और तो डॉक्टर साहब ईवा का भी चेकअप कर रहे हैं कि बीपी वगैरह तो उसका लो नहीं है, तो शायद इसका बीपी भी बहुत लो हो रहा है और इसको माइग्रेन और पता नहीं क्या कुछ है साथ में। अभी यहाँ पे ईवा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उसको लेके हम हॉस्पिटल आए हैं, तो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसको ड्रिप लगेगी। झूठ बोल रही है डॉक्टर साहब, नहीं करती है ये ब्रेकफास्ट। तो भाई हमारी ईवा सो गई है, ईवा को लाना पड़ा इमरजेंसी में, ड्रिप लगी हुई है। और हमारे सैलून में पता नहीं आज किसकी नज़र लगी है, हमारे एम्प्लॉई और ओनर दोनों ही इमरजेंसी में एडमिट होने को आ रहे हैं। एक इधर लेटी हुई है, एक इधर बैठी हुई है डॉक्टर साहब उससे के पास, दोनों का इलाज हो रहा है। तो भाई रीत को शुगर लो है, बीपी लो है, बहुत ज़्यादा बीमारी पाई गई है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पाई गई है इनको, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मतलब वही था। नहीं नहीं ऐसा तो कोई स्कीम नहीं, सर बोल रहे हैं कि रजनीश जी को कभी भी दूसरी शादी करनी पड़ सकती है, एक ही बहुत होती है। ये आपका नंबर, आप भी लो ना उनका नंबर, ले लो आपने नंबर भी लो, एड्रेस भी लो। कैसा फील कर रही है वो? अच्छा मैम, मुझे पहले भी पता नहीं चलता ऐसे अगर आप ना लेके आते। तो भाई इसके ड्रिप लगी हुई है लड़की के, फिर भी बोल रही है मुझे पता नहीं चलता, मैं जब गिर गई थी तब भी नहीं पता चला। बहुत प्यार से गिरी थी मैं, प्यार से गिरी थी। आप इधर से एक बार दिखा सकते हो, तो मैंने भी अपने टेस्ट वेस्ट करवा लिए। टेस्ट सुबह और होने हैं बॉडी के, फुल बॉडी पैकेज लिया है, एक बार बीमारियां निकाल के दो में कि जितनी बीमारियां वो एक ही बार में पता लगे हमें। 85 शुगर आई है, सुबह एक बार दोबारा टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे घर में तो शुगर बढ़ती है सबकी, मेरी कैसे कम हो सकती है। तो चीनी कम खाती है, चीनी खाया कर मुंह में लेके ठक। और भी थोड़ी सी रह गई है ड्रिप, लग गई है ऑलमोस्ट। ईवा को लाना पड़ा इमरजेंसी में, आज इसके चाचू आए थे बेचारे, बोला लड़की का ध्यान रखना। आज ही इसके चाचू आए थे ईवा के, बोल के गए थे कि बच्ची का ध्यान रखना। मैंने बोला चाचू भी बोलेंगे क्या ध्यान रखा, बीमार कर दी लड़की है भाई, गर्मी भी बहुत है और खाना पीना गर्मी बहुत है। कभी तो फिर वही तो प्रॉब्लम हो जाती है ना कि ज्यादा फिर दिक्कत बढ़ जाए। तो ईवा मेरे को सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें से वो कुछ नहीं है वहाँ पे, नहीं वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नकली दुकान है, बेकार दुकान है।
तो हो जाएगी ये ड्रिप, थोड़ा तेरे को एनर्जी भी देगा अंदर से ना। अच्छा चलें फिर तो 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 ले चलते हैं साथ ही। पी लेती है ना इसको, जोड़ते हैं साथ ही में इसको, टांग लेंगे गाड़ी में, इतने में पहुंच जाएंगे। और भी ड्रिप जो है वो खत्म हो गई है युवा की, और इसको अभी लेके चलते हैं घर। इसको मैं बोल रही हूँ यहीं रुक जा, अब कैब करवा के जाएगी और उसमें और क्या, यहीं रुकेगी घर पे ही। फिर भी तबीयत ठीक नहीं, क्या अब कैब में जाएगी फिर सुबह फिर उधर से भागेगी, नहीं आ रहा ब्लड देख रही है। तो भाई युवा को बिठाया हुआ है गाड़ी में और हमने सोचा कि कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं क्योंकि घर पे फ्रूट खत्म हो रखे थे। तो रजनीश जी ले रहे हैं ये आड़ू उड़ू पता नहीं क्या कुछ, मैंगो भी अच्छे हैं ना, एप्पल तो ये जामुन है, उधर दे दो गाड़ी में। अरे युवा के लिए नारियल पानी ले रहे हैं, उसको थोड़ा एनर्जी आ जाएगी नारियल पानी पी के। तो भाई एक युवा को दे दिया ठंडा पानी और एक मैंने अपने लिए ठंडा नहीं मतलब नारियल पानी अपने लिए वो करवाया। क्या ये कौन खाता है, ये नहीं खाते कोई भी, आप खाते हो? वाटरमेलन लेना था। इधर युवा पी रही है पानी ये फ्रिज में काट के रखा हुआ था। थैंक यू ब्रो। और तो भी युवा को दवाई दिला के हम लोग एक बार आ गए थे वापस सलोन पे, और यहाँ अभी भी काम चल रहा है, और एक हमारे क्लाइंट है जो कि सोसाइटी में रहते हैं वो भी साथ में ही जाएंगे, युवा भी साथ में ही जाएंगी। चले फिर वो आगे आ जाओ और मेकअप देखो आप इनका, कितना प्यारा मेकअप हुआ है। ओहो ओहो आंखें दिया ना एक बार, ओके खोल के खुलती तो है ही नहीं। चलो चलो। तो भैया आज खाने में बना हुआ है यहाँ पे बैंगन का भरता, साथ में रायता, रोटी बन जाएगी। तू ना साथ में खुद अंदर ले जा, साथ में युवा दीदी को भी खिला दे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो सो जाएगी, उसने मेडिसिन लेनी है। ठीक है मैं, हम अपना खा लेते हैं बाद में। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी बीमार बच्ची, खाना आ रहा है, नकुल आ रहा है खाना, खाना खा के और फोन छोड़ के और सो जाइयो। साबी को कर दिया फोन? हाँ जी बाबू, उसको मैंने बता दिया, घर पे कॉल करती। तेरे को नींद आ जाएगी, तूने ड्रिप लगी हुई है ना तो उससे तेरा मशासा हो जाएगा। तू भी नक्को यहीं चाहे कम्बल ले दीदी के साथ सो जाइयो, अकेली मत सोने दियो उसको। और क्या, और खाना खा ले तू, ले आ साथ में दीदी को भी खिला दे। मैं मिलती हूँ, मैं भी थोड़ा सा लेटने लगी हूँ, मैं नहा के। नहीं बट मेरे आज ड्रिप नहीं ना लगी, तेरे ड्रिप लगी है। तो ब्लैंकेट ले रखो दूसरा, और मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा नहा के आई हूँ तो अभी मेरे को थोड़ा ठीक फील हो रहा है। मिलते हैं फिर। अभी यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है रात का, जिसमें है बैंगन का भरता, साथ में रायता, रोटी है, और खा रहे हैं जनाब जी। बहुत अच्छा खाना है, टेस्टी बना हुआ है ना, जैसे कि आप जानते हो कि फाइव स्टार में भी ऐसा खाना नहीं मिलेगा। तो मेरे को तो भाई, मैं वैसे खाना खाना नहीं था क्योंकि मैंने आज ये सोचा था कि मतलब रेस्ट करेंगे पेट को थोड़ा सा, स्टमक को, आज डिनर नहीं करना। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अच्छा खाना, हेल्दी खाना खा के सोना है, बिना खाए मत सोना, शुगर लेवल भी लो था तो थोड़ा ठीक हो जाए। तो पता नहीं क्या हो रहा है अभी, बार बार कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, सोचा ही नहीं होता वही कुछ हो जाता है। एक मैंने रील बनाई थी ना, वो एग्जैक्ट मेरे ऊपर लगती है कि आफ्टर 30 तो पता ही नहीं क्या कुछ होने लगता बंदे को। तो बस ख़त्म है ना इसके बाद लाइफ, है ना, बुढ़ी तो हो गई हूँ सच में। बट इतने ऐसे वाला बुढ़ा कौन होता है जिसको रोज़ कुछ ना कुछ हो जाए। तो पहले खाना खा लेते हैं फिर मिलता हूँ।